हेलो बच्चों, आज हम लोग बीए पार्ट टू ज्योग्राफी पेपर थ्री इंडिया का यूनिट फाइव बिहार बिहार में हम लोग पढ़ेंगे फ्लड। बिहार इंडिया का एक ऐसा फ्लड प्रोन स्टेट है जहाँ की 76% जनसंख्या जो है ये हर साल मानसून के सीजन में आधे जून के बाद से पूरे मानसून के सीजन में फ्लड फेस करती है। ये जो एरिया है ये पूरे भारत का 16.5% और जनसंख्या 22.1% है। पूरे बिहार का 73.06% यानी कि 68,800 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो फ्लड अफेक्टेड है। यानी कि टोटल बिहार में जो 38 जिले हैं उसमें से 28 जिले हैं इससे हर साल प्रभावित होते हैं, जिसमें कि मनुष्य का जीवन, मवेशियों का जीवन और उनकी प्रॉपर्टी करोड़ों करोड़ का लॉस होता है। इसका सबसे बड़ा जो तो कारण है वो है नेपाल से आने वाली 5 प्रमुख नदियां। साउथ बिहार की भी कुछ नदियां हैं लेकिन ये उतनी ज्यादा डेंजरस नहीं है। ये नेपाल से आने वाली नदियों को देखें तो इंद्रावती, सन कोसी, ताम्र कोसी, लिखु कोसा, दूध कोसी, सन, ये सारी मिलकर कोसी नदी, सप्त कोसी, 7 नदियां मिलकर सप्त कोसी बनाती हैं। और इस डायग्राम में हम देखते हैं थोड़ा नदियों को, तो पश्चिम से चले घाघरा, गंडकी, बूढ़ी गंडक, बागमती और ये कोसी और ये महानदी। ये जो नदियां हैं लग टोटल 8 नदियां, जैसे 5 हैं, ये सारे के सारे आकर गंगा में मिलती हैं और ये पूरी के पूरा जो नॉर्थ बिहार है ये फ्लड प्रोन है। इसके अलावा साउथ बिहार में भी 10 जिले आ जाएंगे जो कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो नॉर्थ के 21 के अलावे साउथ में बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, लखीसराय, अररिया, ये सारे 3, 3, 6, ये तो टोटल 28 ऐसे जिले हमें मिलेंगे जो कि हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। सबसे खतरनाक हमारे पास ऐसे डाटा 1979 से मिलता रहा है। इसमें सबसे खतरनाक 2008 का फ्लड था जिसने कि पूरे बिहार को बहुत बुरी स्थिति में ला दिया था। और फिर 2011, 2013, 2017, शायद ही कभी ऐसा हो जबकि हमारे यहाँ लाखों लाख लोग प्रभावित ना होते रहे हों। थोड़ा सा इसमें फ्लड प्रोन एरिया को हम देखें, ये पुराना डाटा है लेकिन एरिया लगभग लगभग है। जैसे कि आप देखिए कोसी सबसे ज्यादा है, 10.15 लाख हेक्टेयर। उसके बाद बूढ़ी गंडक का एरिया आपको दिख जाएगा, उसके बाद किउल, पुनपुन, महानंदा और इस तरीके से टोटल 68.80 लाख हेक्टेयर, जो कि हमने अभी शुरू में ही आपको बताया, जो कि बिहार का 73% क्षेत्र पड़ता है। ये जो पुराना डाटा से 293 करोड़ है, इसको आज के डेट में ये 1,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस है। अब फ्लडिंग का कारण क्या है? सबसे पहले एम्बैंकमेंट, जो हम लोग किनारे बनाते हैं, तो ये थोड़ा डाइसी कंडीशन इसलिए आ जाता है क्योंकि 1954 में जब देखा जाए तो 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट था और ये एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई कोसी के किनारे एम्बैंकमेंट बना दीजिए। अब कोसी के साथ समस्या क्या है कि इसकी लंबाई तो 800 मील से कम है पर चौड़ाई 500 मील से भी अधिक जाती है और लगभग 24,000 वर्ग मील का एरिया में ये जिसका जल प्रवाहित होता है। तो हमने आज अगर डेट देखा जाए 3,000 किलोमीटर तक हमने एम्बैंकमेंट कर दिया। समस्या ये आ रही है कि इन किनारों में के वजह से नीचे सिल्टेशन ही नहीं होता है और जो डाउन एरिया है वहां पर सालों भर पानी की समस्या आती है। तो हमने इसको पूरी तरह से साइंटिफिक और एनालिसिस करके नहीं किया है। एक बहुत बड़ा कारण है कि आज भी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है ये एम्बैंकमेंट बढ़ा रही है क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं होता है। ये सिल्टेशन को जन्म देता है। डिफॉरेस्टेशन जो कैचमेंट एरिया है, अब इन सभी के कैचमेंट एरिया देखा जाए तो कोशी का कैचमेंट एरिया है 74,000 स्क्वायर किलोमीटर का,
और जो कि कमला और बागमती नदियों से बनता है। कमला का 7,232 और बागमती का इतना 14,384 है। अब ये जो कोसी का सिर्फ 11,410 स्क्वायर किलोमीटर हमारे यहाँ है, बाकी है नेपाल और तिब्बत में। तो वहां अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसका फ्लडिंग जो है इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे यहाँ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आप त्रिवेणी का देखिए, 59,550 नेपाल में ही है, और इसकी वजह से जो सिल्टेशन लोड है वो 92,400 एकड़ फीट बढ़ जाती है। फरक्का बैराज एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। आप ये देखा जाए तो इसका जो मियंडरिंग बेल्ट है, पहले मियंडरिंग उतनी ज्यादा नहीं थी, मियंडरिंग बेल्ट मालदा मुर्शिदाबाद के बीच में 10 किलोमीटर का है, और ये फरक्का बैराज की वजह से हमारे यहाँ दिक्कत क्या हुआ है कि जो फ्लो चैनल था वो पहले सीधा था, वो ऑब्लिक होते चला जा रहा है, दूसरा सेडिमेंटेशन बढ़ रहा है, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया घटते जा रही है, और जो लॉन्ग प्रोफाइल में जाएंगे तो स्लोप नीचे की तरफ कम होता जाता है। जब स्लोप कम होगा तो पानी बैक में भी जाता है और फ्लड की फ्रिक्वेंसी बैक आकर इफेक्ट करती है। तो हम देखेंगे कि इस बैराज के बनाने की वजह से 640 मिलियन टन का सिल्ट रिवर बेड में एक्युमुलेट हुआ, और पिछले 30 सालों में ये लगभग 18,56 बिलियन टन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी नदी है गंगा नदी, इसमें फ्लडिंग पहले से ज्यादा बढ़ गया है। जैसा ये हमने ये 8 नदियों को आपको अभी डायग्राम में दिखाया है, पश्चिम से लेकर पूरब तक अगर चला जाए तो घाघरा घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक बागमती कामला मुदही बलान कोसी और महानंदा। इस पर एक ऑब्जर्वेशन सेंट्रल वाटर कमीशन का था, इन्होंने 2016 में एक स्टडी करके बताया कि जो ये 42 किलोमीटर का अपस्ट्रीम जो बैराज की वजह से ये पानी जो है पीछे की तरफ मतलब उसका फ्लो आता है और बैक वाटर इफेक्ट होता है, और ये बहुत बड़ा कारण है, और ये सिलिटेशन की वजह से ये बहुत बड़ा कारण है। गंगा नदी में मिलने वाली जो नदियां हैं वो पूरी तरह से अपना फ्लो आगे की तरफ या ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ा पाती हैं। इसके बाद बताते हैं कि बहुत हेवी केले का जो प्लांटेशन किया गया पटना भागलपुर के एरिया में, तो इसकी वजह से भी लगभग फ्लडिंग जो है ये बढ़ा रहा है इस कंडीशन को। फिर 3 ऐसी नदियां हैं घाघरा गंडक और कोसी जिसमें सेडिमेंट्स का लोड काफी ज्यादा बढ़ते चले जा रही है, और 1954 में जहां बिहार में 25 लाख हेक्टेयर था वहां आज आप देख चुके हैं कि ये 72 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र बढ़ चुका है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है सेंट्रल वाटर कमीशन का। इसके लिए कुछ प्रिवेंशन मेथड्स हैं जो कि सजेस्टेड है, जैसे कि डिटेंशन बेसिन बनाना। डिटेंशन बेसिन क्या हुआ, थोड़ा सा इस डायग्राम में आइए, ये जो छोटे छोटे जो वाटर लॉग्ड एरिया और ये मुकामा टाल एरिया, ये जो आप देख रहे हैं ये डिटेंशन बेसिन्स हैं, यानी कि बाढ़ का समय नहीं रहने पर भी यहाँ थोड़ा थोड़ा जल रहता है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि ये कुछ पानी को अपने में ऑब्जॉर्व करके रखती हैं, तो इनको इंक्रोचमेंट ना किया जाए, जो ताल जल्ला चौर के जो क्षेत्र हैं उसको रहने दिया जाए, तो वो नदी से जो एक्स्ट्रा पानी आती है उसको ये थोड़ा रिटेन कर सकते हैं। एम्बैकमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन इसकी वजह से सिल्टेशन बढ़ रही है। तीसरा है कि सिल्ट को नदी से निकाला जाए, तो अभी हमारे यहाँ ना इतना धन इसमें प्रयोग हो रहा है ना इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए। और लास्ट है एनडीआरएफ, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ टीम जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्स टीम, उसको काफी फास्ट एक्शन करना आना चाहिए। वो अगर सरकारी महकमों के चक्कर में रहेंगे तो हर साल लाखों जीवन और करोड़ों की प्रॉपर्टी लॉस में रहेगा। तो इसको कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये बहुत क्विक रिस्पॉन्स टीम की तरह काम करे, जैसे इनके पास वॉकी टॉकी है, इनके पास बहुत फास्ट मूविंग मोटर बोट्स हों, और जैसे आजकल तो हैम सैटेलाइट
यूज होता है, रेडियो के थ्रू मैसेजेस लोगों तक पहुंचा सके, तो इस तरह का कुछ होना चाहिए। धन्यवाद।